वाह डार्लिंग वाह, वाह रॉयल बेसन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या बेटा समझ में आया? तो यार कुछ दिन पहले जासमीन मसीन ने कांड कर दिया, उस कांड के बाद मैंने डिसाइड करा कि चलो यार रोस्ट वोस्ट नहीं करते, जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मगर जासमीन के कुछ फैन जो मतलब फैन है तो नहीं वैसे, बट लास्ट वीडियो को अगर मैं देखूं तो 400 डिसलाइक आए हैं उसके अंदर, तो मतलब 400 फैन तो है इसके। अब उन्हीं में से कुछ सर्च करने लग गए कि भाई जॉय की रोस्ट वीडियो कब आएगी, जॉय ने जासमीन पर रोस्ट किया कि नहीं किया। अब उनको वीडियो मिल नहीं रही, तो भाई 6 महीने पुरानी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज्ञान फेल रहे हैं और मुझे बोल रहे कि मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूं। और पॉजिटिविटी देखो यार, मैसेज पढ़ो साइड में स्क्रीनशॉट है, पॉजिटिविटी देखो कितना मीठापन है इसके अंदर। मतलब एक तरफ मुझे बताया जा रहा है कि भाई तुझे कर्मा देख लेगा और दूसरी तरफ गॉड ब्लेस यू। अरे हद होगी यार, इतने हिपोक्रेसी कैसे दिखा सकते हो तुम? अगर कर्मा ही देख लेगा तो फिर गॉड ब्लेस यू बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मतलब जिंदगी के अंदर इतने भी मीठे मत बनो कि दीपक कलाल को तुम्हारे से जेलसी होने लग जाए। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। सॉरी 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 सॉरी। यार बात करते हैं आज जासमीन मसीन पर एक बार फिर से। तो यार लास्ट वीडियो में मैंने तुमको बोला था मिल गया ना पप्पू, आप ही बोलते थे ना भाई, सभी लॉजिक लगाते थे नहीं भाई इसको सपोर्ट करो भाई, इसने बिल्कुल 13 के अंदर सिद्धार्थ को सपोर्ट किया था। क्या हुआ, मिल गया पप्पू, दिख गया था किसकी टीम में गई और किसकी टीम में नहीं गई, हो गया था क्लियर। मतलब जैस्मिन का एक अलग ही लेवल का सपना है भाई, वो मीन और नेगेटिविटी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है। यही रीजन है कि बिग बॉस में जाने से पहले उसने पूरी रिसर्च करी कि सबसे मीन पर्सनालिटी कौन है बिग बॉस की, और पता चला कि हिना खान बस उससे एक कदम ऊपर लेकर एंट्री मार ली बिग बॉस घर के अंदर। सब मेरे डॉलू पे नजर लगाते थे ना, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा दिखाती नहीं थी। जेलस है ना इससे कि मैं इसको हर जगह लेके जाती हूँ, और वो आप इसको फेंक देते थे ना, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। बस इसी नेगेटिविटी और मीन पर्सनालिटी का एक लेवल और ऊपर उठाने में कसर छोड़ी नहीं जैस्मीन ने, जब वो गई यहाँ पे अली गोनी के साथ लंच करने विद ये कौन था अपना, अबे यार कलर्स वाले भी पता नहीं कैसी कैसी फोटो लगा देते हैं, अब साला दिमाग में वही हूं है। बोलो राहुल एंड दिशा परमार उनके साथ लंच कर रहे थे सारे के सारे। अब लंच करते टाइम लोगों के बीच में क्या डिस्कशन होता है? अब देखो चारों लंच कर रहे हैं और कितना गहरा डिस्कशन चल रहा है इनके बीच में कि इस बार बिग बॉस में कौन आएगा। दिशा परमार बोल रही है सिद्धार्थ के हर सीजन में आएगा, इधर से ये जैस्मिन क्या बोल रही है कि मनीषा जब तक है। अब देखो हो सकता है कि आपको साउंड यहाँ पर क्लियर ना हो, इसीलिए डिबेट में हमने डायरेक्ट स्टोरी से सुना था, तो अपने को तो क्लियर है भाई। 95% लोगों ने वहां पे बोला था कि हाँ सिद्धार्थ ही बोला, बाकी 5% विकास का नाम भी ले रहे हैं। तो देखो अगर बात है विकास की, तो यार विकास और दिशा परमार बहुत ही अच्छे दोस्त है। इनफैक्ट इनकी शादी के अंदर हमारे विकास भैया तुम्हारी रश्मि भाभी के साथ गए भी थे इनकी शादी में। विकास वाली थ्योरी दे भी कौन रहा है, वो लोग थ्योरी दे रहे हैं जो एक रिप्लाई के ऊपर, एक रिटर्न रिप्लाई के ऊपर पूरी स्टोरी बना देते हैं, और उनको वीडियो के अंदर साउंड सुनाई नहीं दे रहा, और वो कह रहे हैं कि ये विकास का नाम ले रहे हैं। अरे नल्लो अगर विकास का नाम भी ले रहे हैं तो भी तो गलत है। बट पॉइंट इज भाई अपने डिबेट हाउस के अकॉर्डिंग 95% लोगों का ये मानना है कि भाई यहाँ पे सिद्धार्थ का नाम लिया गया है, और लास्ट में तो एकदम क्लियर ही है यार कि मनीषा का नाम ले रही है वो। यही रीजन है कि उस दिन मनीषा भी ट्रेंड होने लग गई थी, जिससे मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। एटलीस्ट मनीषा को पता तो चलेगा कि उसके पीछे से जैस्मीन कितनी मीन है। दुनिया जो मुझे इतना उन्हार और अच्छा समझती है थूकेगी मुझ पर, नहीं मैं चली जाऊंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और जब फैंस ने रिएक्शन दिया तो दीदी ने ट्वीट करके बोला कि भाई तुम सब तो गलत हो, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, हमारे बीच में तो एक फनी कन्वर्सेशन चल रही थी। अच्छा ये फनी कन्वर्सेशन है इनके बीच में? मतलब इनके शक्लों पे 12 बजे हुए हैं और
भाई ये फनी कन्वर्सेशन हो गई। और कुछ लोग जैस्मिन के ट्वीट पे बिलीव भी कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जाके लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने क्लियर कर दिया मैम, आपने क्लियर कर दिया, आप धन्य हो गए मैम, हम तो धन्य हो गए। मतलब चलो अगर विकास का नाम लिया, सिद्धार्थ का नाम लिया, इवन मनीषा का नाम लिया, तीनों के इसके अंदर गलत है भाई। मनीषा जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके दो बच्चे जबरदस्ती को उसका नाम घसीट के ले आते और इनको लगता है कि भाई इन्होंने दुनिया एक्सपोज कर दी, बस अब तो आएंगे एवेंजर्स सारे स्टोन्स लेके दुनिया को 2 साल पीछे ले जाएंगे और ट्रॉफी इनको दिलवा देंगे। इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला कहलाएंगे तो मुझे तो मेरा 13 का ट्रॉफी भी वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। पर सब तो नहीं जीत सकते, जीतेगा एक और इस बार सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतेगा। तो आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि ट्रॉफी के साथ पैसे भी रखियो, वो भी वापिस चाहिए। और अब क्या बचा है इन लोगों के पास यार, रोने तो दो कम से कम यार, रोने का हक मत छीनो भाई। भाई मतलब अगर लोग वीडियो पे विश्वास नहीं कर रहे, सिर्फ रिटर्न पे विश्वास कर रहे ना, तो लो मैं भी आज एक ट्वीट कर देता हूँ, आई लव जैस्मिन, जैस्मिन इज नॉट अ जैस्मिन, जैस्मिन इज सच अ स्वीट हार्ट गर्ल एंड आई लव जैस्मिन। Guys, you are completely wrong. मैंने जो भी बोला है वो सब फनी कन्वर्सेशन था मेरा, अब इस पर विश्वास कर लेना और कमेंट में जाके बोल देना कि थैंक यू जॉय फॉर क्लियरिंग मी। और देखो यार, मैंने तो अपनी लास्ट रोस्ट में भी बोला था कि भाई एक बार के लिए कोरोना की वैक्सीन बन सकती है, मगर ये जो मीन पर्सनैलिटी घुस जाती है ना, जो नेगेटिविटी घुस जाती है, जो जेलस फैक्टर घुस जाता है, वो कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते तुम भाई। एक बार कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ चुकी है, उससे भी बच जाते हैं लोग, उससे भी रिकवर हो जाते हैं, मगर भाई ये जो मीन पर्सनैलिटी है ना, एक बार इसमें घुस गए ना तुम, कुछ नहीं हो सकता, देख रहे हो। तो अगर लगा कि तुमको कि जॉय पिछली बार भी सही था, इस बार भी सही है, तो कमेंट सेक्शन में इतना जरूर लिख देना, जॉय तो सही है यार। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो सबके साथ। वेव 3 का भाई फिर से खतरा सा मंडरा रहा है, तो सब लोग वैक्सीन लगवा लेना अगर नहीं लगवाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।